एक, अकेलापन इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आपके कितने दोस्त या रिश्ते हैं। बड़े सामाजिक दायरे होने पर भी आप अकेलेपन का अनुभव कर सकते हैं। यह दुनिया के बाकी हिस्सों से महसूस करने के बारे में है। दो, 60% से अधिक अकेले लोग विवाहित हैं। तीन, अकेलापन हमारे रिश्तों की हमारी धारणाओं को बिगाड़ देता है। चार, सामाजिक नेटवर्क में अकेलापन संक्रामक है। पाँच, अकेलापन वास्तव में हमें ठंडा महसूस कराता है। छः, अकेलापन हमारे शरीर को हमले के जैसा महसूस कराता है। सात, अकेलापन कोरोनरी हृदय रोग और स्ट्रोक के लिए बाध्य है। आठ, अकेलापन औसत प्रतिरक्षा प्रणाली की तुलना में कम है। नौ, शीर्ष स्तर के विश्वविद्यालयों में पाया गया कि हालांकि यह सच है कि नेता और सीईओ अक्सर उच्च जोखिम वाले फैसले लेने के लिए खुद पर बोझ महसूस करते हैं, वे अलग थलग या एकाकी महसूस नहीं करते। दस, लोनली लोगों को लोगों से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता है और अपेक्षा से कम अकेलेपन की भावनाओं की रिपोर्ट करें। 11. डेनमार्क में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो लोगों को अकेलापन से बचने के लिए एक साथ खाने का आग्रह करता है। 12. अकेलापन महसूस करना एक अधिक गंभीर समस्या है जिसके लिए आप अधिक संबंध रखते हैं। 13. जब आप एक बड़े सामाजिक मामले को देख सकते हैं तो आप अकेलेपन का अनुभव कर सकते हैं। 14. ऐसा नहीं है कि आप पुराने के रूप में और अधिक महसूस कर रहे हैं। आपके रूप में अधिक अकेला महसूस करते हैं। 15. लोगों ने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण लिया। 16. समय की बचत एक अनिवार्य लोगों के लिए एक अलग प्रेरणा है। 17. कभी कभी जो व्यक्ति सभी को खुश रखने की कोशिश करता है वह अकेला व्यक्ति होता है। 18. अकेलापन और अवांछित की भावना सबसे भयानक गरीबी है। 19. मनोवैज्ञानिक रूप से अकेलेपन के बारे में नहीं है कि आपके कितने दोस्त हैं, यह दुनिया के बाकी हिस्सों से महसूस करने के बारे में है। 20. अकेलापन खतरनाक नहीं है, यह आदि है। एक बार जब आप देखते हैं कि यह कितना शांतिपूर्ण है तो आप लोगों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। 21. किसी के जीवन में सबसे अकेला पल वह होता है जब वे अपनी पूरी दुनिया को टूटते हुए देख रहे होते हैं और वे जो कर सकते हैं वह है। 22. यह सबसे अधिक दुख देता है जब वह व्यक्ति जिसने आपको कल विशेष महसूस कराया और आपको आज इतना अवांछित महसूस कराता है। 23. अकेलापन मुख्य रूप से अपने आप को महत्वपूर्ण चीजों को संवाद करने में सक्षम नहीं होने और दूसरों द्वारा गलत समझा जाने के कारण होता है। 24. आत्मखोज स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने से मौलिक मूल्यों और लक्ष्यों, व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों में अंतर्दृष्टि मिलती है। 25. अकेलेपन में आप आत्म जागरूक, चिंतित या उदास महसूस करते हैं, पारस्परिक संपर्क की लालसा करते हैं। 26. एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि जब आप गा रहे होते हैं तो आप सभी खुश जोड़े देखते हैं। जब आप प्रतिबद्ध होते हैं तो आप खुश एकल देखते हैं। 27. जब आप अकेले काम करते हैं तो आप बिना किसी चिंता के महसूस कर सकते हैं। 28. जबकि अकेले आप शांत, तनावमुक्त और रोजमर्रा के दबाव से मुक्त महसूस करते हैं। आप टीवी देखकर, पढ़कर, इंटरनेट पर सफिंग या अन्य ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों में संलग्न होकर अकेले समय भरते हैं। 29. अकेले होने से उपन्यास विचारों या अभिनव अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। 30. अकेलापन उन समस्याओं या निर्णयों के बारे में सोचने की अनुमति देता है जो आपका सामना करते हैं और आप संकल्प का प्रयास करते हैं। 31. हालांकि अकेले, आप किसी ऐसे व्यक्ति के करीब महसूस करते हैं जिसकी आप परवाह करते हैं, अनुपस्थित दोस्त, प्रेमी, मृतक रिश्तेदार आदि। व्यक्ति की अनुपस्थिति केवल आपके निकटता की भावना को मजबूत करती है। 32.
अकेले रहने के दौरान आपके पास एक रहस्यवादी अनुभव होता है, यानी रोजमर्रा की चिंताओं को पार करना, अधिक संपूर्ण का हिस्सा होना, जिसे धार्मिक रूप से भगवान के करीब या धर्मनिरपेक्ष प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा के रूप में व्याख्या की जा सकती है। 33. अकेले समय बिताना बहुत स्वस्थ है। आपको यह जानना होगा कि अकेले कैसे रहें और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिभाषित न करें। 34. यदि आप अपनी मर्जी से कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कोई और नहीं जाना चाहता है, तो अपने आप से जाएं। आपके समान लोगों से मिलेंगे। 35. रहने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि आपको नहीं लगता कि वे आपके विचारों को सुनने के लिए तैयार हैं। 36. लंबे समय तक अकेले रहना आपकी सेहत के लिए उतना ही बुरा है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना।